दोबारा बोलिए क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा ये कोफ्ता जरूर खाना जी, आपको पूरे इंडिया में ये कोफ्ता नहीं मिलेगा। क्या बात है, ये जो कोफ्ता अंकल जी ने दिया है, अंकल जी कह रहे हैं पूरे इंडिया में आपको ये कोफ्ता नहीं मिलेगा। तो भाई साहब ऐसी चीजों की तो हम दीवाने हैं जो पूरे इंडिया में और कहीं ना मिले, एक ही जगह में मिले। तो आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो प्रेपरेशन है भाई साहब, वो दिखाते हैं। तो आज हम हैं जी चूही चौक फिरोजपुर में और हम यहाँ पे आए हैं जी छोले कुलचे खाने। भाई साहब बहुत ही ज्यादा मशहूर है यहाँ पे। अंकल जी नमस्कार। अंकल जी आपका नाम क्या है? रवि दत्त। तो रवि जी जो है यहाँ पे बड़े ज्यादा मशहूर है, यहाँ पे बहुत पॉपुलर है। कब से लगा रहे हैं? मैं तो 91 में आया हूँ, लेकिन ये जो शॉप है वो 1954 से दुकान है, ऑलमोस्ट 70-75 साल। और रवि जी आप कहाँ से? हिमाचल से। वाह वाह बहुत बढ़िया। हिमाचल वाले भाई जो छोले बनाते हैं ना, उससे ऊपर कोई बना ही नहीं सकता। तो रवि जी क्या क्या रहता है अपने पास इसमें? जैसे मैं देख रहा हूँ दो पतीले हैं, तो अपने पास क्या क्या है इसमें? ये छोले हैं जी। जी कोफ्ता पनीर है। ये है जी छोले और उधर है जी कोफ्ता पनीर। कोफ्ता पनीर और आलू। वाह 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 वाह, कोफ्ता पनीर और आलू, क्या बात है जी। तो ये मतलब प्रेपरेशन जो है छोले, आम छोले या मतलब कुछ इसमें स्पेशल रहता है? ये छोले ये हम अलग से यूज करते हैं, जो अकबरपुर होता है ना जी, वो अकबरपुर सॉरी अकोला। ओके, तो वो छोले यूज करते हैं और मसाले जो है वो आपके खुद के ही डिजाइन के हुए हैं। बहुत बढ़िया सर, एक प्लेट लगा के दिखाइए प्लीज। भाई साहब सबसे पहले तो ना मैं आपको दिखाना चाहता था ये भीगा, अच्छा भीगा कुलचा अंदर ही डाल के रखा हुआ। भाई क्या बात है यार, ये देखो कितने ज़बरदस्त तरीके से इसको अच्छे से मैश करके और छोले भर लिए जाएंगे। और अंकल की अंकल जी का जो एक्शन वाला जो स्टाइल है, वाह ये आ गया जी ऊपर से कोफ्ता और पनीर। और भाई थोड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है यार, मुँह में पानी आ रहा है इसको देख के। अंकल जी कुलचे कितनी देर भिगो के रखते हैं आप? तो जैसे डालते हैं वैसे निकल जाते हैं जी। अच्छा ये आ गया जी प्याज। और भाई यहाँ पे ना आपको जो स्वाद मिलेगा, जो जायका मिलेगा, यहाँ पे रश लगता है। हम थोड़ा लेट आए हैं पर यहाँ पे पूरी भीड़ रहती है भाई साहब। मुझे भाई ने बताया था कि यहाँ पे अगर आप जाना चाहते हो ना तो थोड़ा एडवांस में चलना, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, यहाँ पे भीड़ रहती है पूरी लोगों की। और ये आ गई जी हरी मिर्ची। वाह अंकल जी अपनी लोकेशन क्या है? ये चूही चौक फिरोजपुर। हाँ। कोई मोहल्ला कोई एरिया कुछ नहीं? चूही चौक। चूही चौक। और यहाँ पे क्या मतलब चूहियाँ आती थी इसलिए चूही चौक? ये अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा है जी। अच्छा, अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा है जी चूही चौक। और चूही चौक की फेमस दुकान है जी भीजे छोले कुलचे। और इसके अंदर ही आपको मिल जाएंगे छोले भी और कुलचे भी। ये प्लेट बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, कितने की प्लेट है? 30 रुपीज़। 30 रुपीज़। तो ये 30 रुपीज़ की प्लेट है जी। और ज़बरदस्त प्रेपरेशन है, छोले देखो ये 3-4 घंटे लग के पकते होंगे अंकल जी, है ना? 4 घंटे लगे। और इसमें नो ऑयल वाले हैं ना, ये बिना तेल वाले? बिना तेल के छोले हैं। और इसमें थोड़े से कुलचे आप भिगो के दिखा सकते हैं प्लीज़? ये निकाले हैं जी कुलचे। और भाई कुलचे कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं यार। ये अंकल जी स्पेशली बनवाते हैं आप? हाँ जी होटल से ये स्पेशली कुलचे बनवाते हैं। और ये देखो अंदर डिप करके अब इसको अच्छे से मिक्स किया जाएगा। ये आ गया जी थोड़ा सा मसाले वाला पानी और उधर से आ गया जी वो कोफ्तों का रोगन। और भाई अब देखना अंकल जी इसमें मिक्सिंग होगी या बस इसी पड़े रहेंगे? बस वाह जो भी है बस इसी का स्वाद है, इसी का जायका है। मसाले का होता है जी, मसाला जी जो आपका मसाला रहता है ना वो बड़ा पोटेंट है, इसीलिए लोग यहाँ पे बार बार आते हैं ये जायका लेने, ये स्वाद लेने। ये देखिए प्लेट लगाने का स्टाइल देखिए आप, क्या ज़बरदस्त अंदाज है अंकल जी का। प्लेट्स लग के तैयार हैं जी। इसके ऊपर आ गया जी ये प्याज और टमाटर और भाई साहब कोफ्ता और पनीर। एंड दिस इज मोर लाइक चाट एंड लेस लाइक भीजा कुलचा, बिकॉज इस पे इतने सारे फ्लेवर्स हैं, इतने सारे जायके हैं। ये देखो बस अब बैक टू बैक प्लेट्स जो है वो लगती जाएंगी और अंकल जी जो हैं वो इतनी ही स्पीड से, इतनी ही स्किल से काम करते जाएंगे। और अंकल जी जो बीच में थोड़े से छोले काले हैं वो क्या उनकी चित्री नहीं उतरी इसलिए? नहीं ये का दाना होता है जी 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 जी, बाकी ये है वाइट जी। आजकल आपको पता है मिक्सिंग ज़्यादा थोड़ी बहुत मिक्सिंग हो जाती है जी। सही है, ये देखो प्लेट्स लग रही है भाई साहब बैक टू बैक।
एंड यहाँ पे जो खाने वाले हैं और जो खिलाने वाले हैं दोनों ही बहुत प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। अंकल जी एक बार कोफ्ते उधर से मैं दिखा सकता हूँ, ये देखिए कोफ्ता, एकदम ऑलमोस्ट डार्क ब्राउन कलर का कोफ्ता है जी, एंड थोड़ा सा इसमें चला के दिखा दीजिए प्लीज। और भाई साहब यहाँ पे तो बस आप आओ और यहाँ पे ऑर्डर लगवाओ और खाओ और मजे करो। ये दुकान देखो, दुकान का अभी तक कोई बोर्ड नहीं है, कोई नाम नहीं है, बट इतनी ज्यादा मशहूर है कि यहाँ पे जो खाने आने वाले हैं ना वो चूही चौक के छोले कुलचे जो है, पिज्जे छोले कुलचे, मणिकरण भाई बताएंगे, ये ज्यादा अच्छे से जानते हैं फिरोजपुर को। ਪਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਦ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ 1954 ਪਾਜੀ ਆਪ 1955 ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਦ ਆਪ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਬ ਸੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਬ ਸੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਵਾਹ 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 ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਈਵਨ ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਦ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਉੱਧਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ यहाँ पे जो खाने भी आए हुए हैं ना सरदार जी जो हैं जैसे अंकल जी आप बहुत पुराने आते होंगे यहाँ पे ना? कितने साल से आ रहे हो? 20 साल से आ रहे हैं। वाह वाह। और आप यहीं के लोकल? लोकल ही फिरोजपुर से। हाँ। बहुत बढ़िया अंकल जी, आपका नाम? सुखदेव सिंह। सुखदेव सिंह जी, थैंक यू सो मच अंकल जी, सत श्री अकाल जी। तो ये देखो भाई साहब, दुकान इतनी ज्यादा मशहूर है कि यहाँ पे जो खाने आने वाले लोग है ना वो भी 20-20, 30-30 साल से यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये लग रही है जी हमारी प्लेट, सबसे पहले तो भाई साहब वही जो कुलचे अंदर डिप करे हुए थे उसको अच्छे से मजे से उसको क्रश कर लिया जाएगा। ये आ गए जी छोले, भाई क्या बात है यार, ये आ गए जी छोले और ये ऊपर से आ गए जी कोफ्ता। ये देखिए छोले, देखिए भाई क्या बात है, और इसमें आ गया जी प्याज, साथ में आ गया जी टमाटर, और भाई ऊपर से आ गया जी ये नींबू, और ये एकदम ज़बरदस्त चाट मसाला, और भाई प्लेट बन के तैयार 30 रुपए की हरी मिर्ची आ गई, बहुत ही बढ़िया, ये प्लेट बन के तैयार। ये देखो भाई, ये है भीगा कुलचा चूही चौक का, और भाई कितना बढ़िया भिगोया हुआ कुलचा है ये। ये आ गया जी कोफ्ता, और अंकल जी ने बोला था कोफ्ता ज़रूर ट्राई करना है, तो ऐसे हो ही नहीं सकता ना कि हम कोफ्ता ना ट्राई करें। पहले क्या करते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं आप प्लान बताता हूँ, स्ट्रैटेजी लगाएंगे। आज की स्ट्रैटेजी है, पहले हम खाएंगे जी कोफ्ता, छोले, प्याज, हरी मिर्ची और साथ में मसाले सारा कुछ डाल के ये ट्राई करते हैं। भाई वाकई ये कोफ्ता पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। वाह, फिरोजपुर का जो चटोरी स्वाद है ना इतना नेक्स्ट लेवल है, मतलब इसके सामने ना और सारे शहरों के जो जायके हैं थोड़े से फीके लगते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्यों, यहाँ पे ना मसाले यूज़ करते हैं थोड़े ज़्यादा, खटास यूज़ करते हैं थोड़ी ज़्यादा, जैसे हमारे वहाँ पे ना थोड़ा देख लेते हैं कि नहीं ये तो मैदा ना ख़राब हो जाए, फिरोजपुर वाले नहीं देखते, अगर चक्की चलो मेरे अब पाओ मसाले, अब 5 किलो मसाले आन दो, नींबू आन दो, अब चटनी आन दो, इतना सारा कुछ, और भीगा कुलचा। ये वो एल्पन लीबे की ऐड थी ना, जीब लल लल लप लप आए, ये वो हो रहा है, ज़बरदस्त। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ ऐसा भीगा कुलचा आपने अमृतसर में भी नहीं खाया होगा। यहाँ मसाले ठोक के, नींबू ठोक के, कुछ भी रोक के नहीं है, सब कुछ ठोक के, मतलब भर भर के प्याज टमाटर खटास सारा एकदम। मैं बताता हूँ रोक के क्या है भाई साहब, रोक के है अपनी जबान, अगर आप अपनी जबान नहीं रोकोगे ना यहाँ पे तो भाई साहब सब ठोक के हो जाएगा, इतना ज़्यादा बढ़िया जायका है ये, मज़ेदार नेक्स्ट लेवल। एंड ये मैं ख़त्म करता हूँ और आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जिंदाबाद रहन साडी यार, जिंदाबाद बजदा रहे साडा पंजाब, नाल साडा हिंदुस्तान, जय हिंद। बहुत बढ़िया है, टेस्ट कैसा है? ये फेवरेट है साडे इथों पीड़े बाजार दे है। जी जी जी, पीड़े बाजार दे, क्या बात है, प्रॉपर दे। जी 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 जी, थोनू पसंद है जी? देखो कितना बढ़िया है, ये तो बढ़िया, कोई और चीज ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਬਲੇ ਇੱਥੇ ਗਏ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਹਾਂ ਵਾਹ ਜੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਚਪਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ। ਕੀ ਬਾਤ, ਨਾੜੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
हाँ जी भाजी, आप बताओ क्या सीन है भाजी। आई कांट स्टॉप, मैं तो बस हूँ टेस्ट ही करना सिर्फ। दी मोस्ट डिलीशियस एंड दी मोस्ट यम, इस तो एंड गल बात वाली चीज नहीं लपनी। क्या बात है, क्या बात है। ओंकार भाजी आ गए विच। ओंकार भाजी फिरोजपुर च याद किया थानू। बहुत वधिया भाजी ने एक कहने आसमान ते समंदर आसमान तो भी परे दी चीज। क्या बात है, क्या बात है। आसमान तो परे आना आना पैना है इत्थे, जन्नत च जाके मिलूगी। हां बहुत वधिया, थैंक यू भाजी। और अगर आप देखना चाहते हो ऐसी एक जबरदस्त वीडियो चटोरियों वाली, जायकेदार, मजेदार, तो भाई साहब ये देखो।